जापान में पीएम मोदी से मिलने आया अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन, कहा मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। मोदी ने ब्रिटिश पीएम सुनक से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग में शामिल होने के लिए जापान में हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनिज ने पीएम मोदी से बातचीत की। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दरअसल मीटिंग के दौरान बाइडेन ने मोदी के पास आए और उन्होंने कहा, अमेरिका में बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि आप मोदी के कार्यक्रम में जाएं। इस दौरान एल्बनिज ने कहा कि उनके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है, पर सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन में 20,000 लोगों की ही क्षमता है। बाइडेन और एल्बनिज ने मोदी को बताया कि उनके सामने भीड़ को मैनेज करने की चुनौती है। इस दौरान एल्बनिज ने बताया कि जब वे भारत दौरे पर थे तब किस तरह 90,000 लोगों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका और मोदी का स्वागत किया। इस पर बाइडेन ने कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीस मेमोरियल पार्क विजिट किया। यहां उन्होंने पीस मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया और हिरोशिमा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल हिरोशिमा परमाणु हमले का गवाह रहा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे।